भाई हमारे को जैसे मकान चाहिए तो मकान दिलाए तो अच्छी बात है, आते और फॉर्म भर के चले जाते, लेकिन मिलता नहीं है। बहुत दिक्कत है, कितना गंद है, कितनी नाली खराब है, आते सर्वे करके चले जाते हैं, फिर बोलते हैं मकान मिलेगा मिलेगा, कब मिलेगा मकान। गंदा पानी आता है उसको मैं बता नहीं सकती, इतना स्मेल आता है कि जैसे लैट्रिन वाला पानी आ रहा है। विधायक का मालूम नहीं है, विधायक के पास कहाँ जाएंगे, मतलब छोटे छोटे बच्चे भी ब्लेड निकालते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव और मैं हूँ आपके साथ शिवशंकर उपाध्याय। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है मोती नगर में है, सत्ता और आम जनता में सरोकार बना रहे इसलिए संवाद जरूरी है और उसी को जारी रखने के लिए हम इस वक्त मोती नगर में पहुंच चुके हैं। इलाके के विधायक शिवचरण गोयल हैं और उनके बारे में जनता क्या रिव्यू देती है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ में इलाके के ही कुछ लोग हैं। तो सर आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले तो आपका नाम क्या है आप बताएँ। जमनालाल साहू। सर आपसे अगर जानना चाहूँ कि वो इलाके के विधायक कैसा काम कर रहे हैं और आपसे जानना चाहूँ क्या दिक्कतें हैं, आपको क्या परेशानियाँ हैं, इस बारे में आप बताएं। नहीं, विधायक तो जो आते हैं सब सही आते हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में जो काम करें तभी तो वादा निभाएं, तभी तो अच्छी बात है ना। भाई हमारे को जैसे मकान चाहिए तो मकान दिलाए तो अच्छी बात है, आते और फॉर्म भर के चले जाते, लेकिन मिलता नहीं है। जब मिले तभी थोड़ा वो आश्वासन हो जाए, जैसे कि कोई जैसे पानी की सुविधा करिए अच्छी बात है, जैसे कोई थोड़ा वो साफ सफाई हो जाए और अच्छी बात है। यही चीज़ें चाहिए, मकान चाहिए, मकान तो सबसे ज़रूरी है। अभी आप लोग पार्क में रह रहे हैं तो आपको लगता है कि जो है इससे कहीं बढ़िया एक व्यवस्था सरकार को देनी चाहिए, इस पर सोचना चाहिए सरकार को? तो सर ये तो बहुत ज़रूरी सोचना चाहिए भाई, मैं अकेला नहीं हूँ, सारी पब्लिक है, सारी परेशान है। जिसको भी किसी को भी जो मिले यहाँ से खाली कर तो अच्छी बात है, यहाँ से कहीं अच्छी जगह जाके बैठे तो मतलब उसका भविष्य भी बने और हर चीज़ से अच्छा रहें। पढ़े लिखे भी यहाँ तो कहाँ क्या पढ़ाई लिखी होती है भाई, सारे एक दूसरे जिसके पास जो कमाई है उसी हिसाब से आधार पर चलते हैं, जैसे जो मकान है उसी हिसाब से रहना। भाई झुग्गी है तो झुग्गी के हिसाब से रह पाएगा बंदा, और कोठी है तो कोठी के हिसाब से रह पाएगा, मकान है तो मकान के हिसाब से रह पाएगा, सबसे बड़ी बात तो ये है ना। चलिए आपसे मैम जानना चाहूँ, आपका नाम क्या है पहले तो बताएं। मेरा नाम बबली है। आपसे जानना चाहें कि आपके इलाके कुछ दिक्कत उक्कत है आपके एरिया में? बहुत दिक्कत है, कितना गंद है, कितनी नाली खराब है, आते सर्वे करके चले जाते हैं, फिर बोलते हैं मकान मिलेगा मिलेगा, कब मिलेगा मकान। ये भी तो सोचो इंसान की मजबूरी है, गरीब है, कहाँ मकान लेंगे, 20-20 हज़ार कहाँ किराए भर पाएंगे, एक बात समझो ना। फिर सर्वेस क्यों करते हैं, फिर नाम क्यों डलवाते हैं, फिर आते हैं नाम आ गया सर्वेस कर रहे हैं, मकान टूटने वाली, झुग्गी टूटने वाली, कहाँ टूट रही है, मकान मिलेगा के इस साल मिलेगा उस साल मिलेगा, सर्वेस करके चले जाते हैं। देखो कितना गंद है, हम गंद में रह रहे हैं, गाँव में ये सोचते हैं कितना गंद में तुम रह रहे हैं, क्या करें, मजबूरी हमारी। आप लोगों को कभी डर नहीं लगता कि जैसे कि अभी जो MCD तोड़ फोड़ मचा रही थी कि जो अवैध लोग बसे हुए हैं उनको जो बोल रही थी कि नहीं इनको सबको हटाया जाए, तो आप लोगों को डर नहीं लगता सर आपसे जाने जाए? सर रहता क्यों नहीं रहता है भाई, देखो गवर्नमेंट गवर्नमेंट है, वो किसी भी टाइम किधर फेंक सकती है। अच्छा। ये जरूरी नहीं जगह अपने यहाँ पर कोई कुछ ये ले रखा है, लेकिन ये है कि हमारी मजबूरी है कि भाई जहाँ भेजे वहाँ जाएँ, लेकिन जब गवर्नमेंट दे तभी तो ना। कहीं भी अगर मान लो गवर्नमेंट के हिसाब से वो अच्छी जगह पर बिठाना चाहे तो बहुत अच्छी मेहरबानी उनकी, सरकार की। हम तो ये चाहते हैं सरकार से, ये अपील करते हैं कि भाई कि हमारे को जहाँ भी कहीं भी मकान दे चाहे जैसे वो अच्छे सुविधा से दे, अच्छी बात है, बच्चे पढ़ लिख पाएँ, बच्चे होशियार हो, हमारा भी थोड़ा बहुत कुछ भविष्य बने। ये में कितने लोग जो यहाँ पे रहते हैं, कितने लोग लगभग होंगे जिनको अभी ऐसे पार्क में रह रहे हैं या जिनके पास मकान नहीं है? लगभग आइडिया कम से कम 200 तो होंगे आराम से, 200-500 के लगभग तो ही है, क्योंकि कम से कम 100 झुग्गी से ऊपर है, 100-150 झुग्गी है। अब 100-150 घर में से अगर मान लो कोई 5 बंदे रह रहे तो कोई 10 भी रह रहे हैं, जो गुजारा करने वाला उसी हिसाब से रहेगा, दुख सुख से रहेगा, क्योंकि अगर जिस अच्छा पैसा होगा तो वो अच्छे हिसाब से रह जाएगा, जिनके पास जो आमदनी कम है तो उसी हिसाब से रह पाएगा ना सर, ये चीज़ है। चलिए और भी लोगों से हम बात करते हैं, जो केजरीवाल जो एक मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं वो आपके एरिया में यहाँ पे नहीं है? जी नहीं है, वो आचार बिछी अस्पताल है, क्लिनिक मोहल्ला नहीं, वो अस्पताल नहीं, वो नहीं है, खुला हुआ है। तो वहाँ पे जब जाते हैं आप लोग, फ्री में इलाज होता है या फिर? नहीं, फ्री में इलाज तो फ्री में हो रहा है, हर चीज़ के इलाज हो रहा है, जैसे ये है कि भारी टेस्ट हो गया तो वो भेज देते हैं सफदरगंज जाओ, और क्या कहते हैं राम मनोहर लोहिया जाओ, दीनदयाल जाओ, कोई ऐसा जैसे बीमारी हो जाती है तो उसको लिए तो न टेस्ट है न कुछ है, और कहेंगे सारा चीज़ फ्री हो रहा, टेस्ट सारा फ्री हो रहे, मुला ऐसे फिर कोई ऐसा हो जाता है कि उसको लिए तो दीनदयाल और राम मनोहर लोहिया भेज दिया जाता है।
तो मतलब कि वहाँ पैसे लगते होंगे जब आप लोग जब जाते हैं जब टेस्ट कराने के लिए? जब टेस्ट कराने जाते हैं तो राम मनोहर लोहिया में कभी आधा पड़ता है, कभी ऐसा बड़ा टेस्ट होता है तो आधा, कभी आधा ले जमा करवाते हैं, कभी नहीं जमा करवाते, कभी ऐसे भी हो जाता है। पर वहाँ धक्के खाने होते हैं कि एक दिन में वो होता ही नहीं, वहाँ तो जाओ पहले दूसरे दिन पता ही चलता है कि यहाँ नहीं वहाँ होगा, इधर नहीं उधर होगा। वहाँ हम लोग जैसे नहीं जानते हैं तो इधर से उधर घूमते ही रहते हैं सारा दिन, वो हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये बताइए कि जो है आपके इलाके में क्या क्या दिक्कत है, पानी उन्हीं टाइम से मिलता है? पानी वानी आता भैया, हाँ सब चीज़ आता, पानी आता टाइम से आता है। गंदा पानी आता है कि उसको मैं बता नहीं सकती, इतना स्मेल आता है कि जैसे लैट्रिन वाला पानी आ रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता, मुश्किल हो जाता है, पानी पीने का वो नहीं होता। सारे लोग सप्लाई का पानी लाते हैं बाहर से, तब पीते हैं पानी। तो आप लोग कभी मतलब इस बात जैसे पानी जब गंदा आता है तो आप लोग बताते नहीं, वो जो इलाके के विधायक हैं या जो पार्षद हैं उनसे बात नहीं करते हैं कि गंदा पानी आ रहा है? विधायक का मालूम नहीं है, विधायक के पास कहाँ जाएंगे कहीं? अगर आपसे जानना चाहूँ, बच्चे यहाँ पे पढ़ने उड़ने जाते हैं सरकारी जो अभी केजरीवाल ने खोला है वहाँ पे फ्री जाते हैं? सुविधा कुछ मिली है सरकार से? आपको लगता है जो पिछली सरकार थी उन सबसे बढ़िया अभी स्कूलों में पढ़ाई हो रही है? बढ़िया, इतनी सुविधा नहीं है, मारपीट होती है, कोई बच्चे चाकू ले लेते हैं हाथ में ये स्कूल में। अच्छा। ऐसे मारपीट होती तो अच्छी होती है बच्चों की। हम एक दिन गए थे स्कूल में, वो इतना वो सही नहीं है स्कूल। अच्छा। मतलब छोटे छोटे बच्चे भी ब्लेड निकालते हैं। अच्छा। तो इस बारे में शिकायत उकात आप लोगों नहीं करते हैं? शिकायत की थी स्कूल में। हाँ। लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए, फिर आगे जाके लड़का फिर ब्लेड निकाली इतनी बड़ी। अच्छा। हाँ, फिर एक दिन मारपीट अच्छी हुई एक लड़के को, इनका लड़का था। अच्छा। तो हम गए थे। तो ये जो है जो आप देख रहे हैं मोती नगर से ये समस्याएं हैं कि जो है यहाँ पे इलाके में जो है पानी बीच बीच में खराब आने लगता है। विधायक जी जो है जनता ने चुना है, उनको वोट दे के चुना है, लेकिन इन लोगों के बीच में उनकी मौजूदगी नहीं रहती है। सर आपसे जानना चाहूँ कि केजरीवाल सरकार के जो काम काज हैं उनको कैसे देखते हैं आप? लगता है कि जो है बदलाव आया पिछली सरकारों से उनमें? नहीं सर, ऐसा है कि पिछली सरकारों से तो क्या बदलाव आएगा, ये है कि भाई चलो इन्होंने पानी का काम अच्छा करा, सबसे बेस्ट ये है, लाइट का काम अच्छा करा, बाकी तो सारी भूखमरी है। अच्छा। देखो जो चीज़ जो है जो दिख रही है, बाकी तो सारी वही है कि जैसे मकान के वादे किए थे कि कई बार किए थे कि भाई अब इस बार आपको मिल जाएगा, ये भी हुआ था कि भाई ये टूटेंगे, नोटिस भी आया था, लेकिन अभी तो कुछ फिलहाल हुआ नहीं है। लेकिन जब नोटिस जब आए जब जारी हो तब हमारे को आगे कहीं रहने की व्यवस्था मिले, ये सबसे बड़ी बात है। आप लोग शुरू से यहीं पर रह रहे थे इसी? हाँ। जगह सर हमारे कम से कम हो गया 30 साल हो गया हमें। अच्छा। 30 साल से यहीं बैठे हुए हैं। अगर केजरीवाल सरकार पहले बैठे हुए यहाँ पे बहुत सारे। हाँ। हमारे से पहले पुराने 40 साल से बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे को 30 साल तो मर गए हो गए यहाँ पे आए हुए। ये देख लो सर, आपको लगता है कि केजरीवाल सरकार से अगर सवाल पूछूं तो केजरीवाल सरकार फिर से एक बार जैसा काम कर रही उस आधार पर आप लोग दोबारा से उनको चुनना पसंद करेंगे? सर देखो ऐसा है कि सरकार तो है, लेकिन वो चुनना जब पसंद करेंगे काम करेंगे तब। अब इन्होंने 5 साल 4 साल के अंदर 10 साल हो गया इनको रहते हुए, फिर भी इनका सर ये दो काम अच्छे लगे हैं कि भाई पानी और बिजली, पानी बिजली का थोड़ा अच्छा लगा, बाकी तो आप देख लो हर चीज़ आपके सामने ही है। कभी झुग्गी के बारे में तो कई साल से उस टाइम भी लग रहा था कि भाई अब ये टूट जाएगी और अब अच्छे मकान कहीं कहीं मिल जाएंगे तो बच्चे का भविष्य बन जाएगा। अब इसमें से कम 100 में से 80% है जो लोग आ रहे हैं, 80% लोग हैं जो मतलब वो बिना पढ़े हुए रह रहे हैं, ये चीज़ है ना भाई। क्योंकि सारे का माहौल ऐसे हैं, जैसे माहौल होगा वैसे ही सर पढ़ पाएंगे बच्चे। तो अगर अच्छी जगह माहौल होगा तो अच्छे बच्चे पढ़ पाएंगे, अच्छी जगह नहीं होगा तो नहीं पढ़ पाएंगे, ये हमारी तो मजबूरी है ही है सर। हाँ, मोदी के थ्रू पे जो ये अभी नया आवास निकला ना उनके थ्रू मिल रहे हैं। हाँ हाँ, केंद्र वाला, बाकी ये भी वो कांग्रेस के थ्रू तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, खाली जो केंद्र के जितने भी मकान पास हो रहे हैं वो करीबन सबको लगभग दे रहे हैं। अच्छा, ये मोदी सरकार वाला जो मकान पास हो रहा है, मोदी का जो आवास है ना, ये सबको मिल रहे हैं करीबन, बाकी दूसरे नहीं मिल रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूँ ये भी दिल्ली में लागू हो जाए तो अच्छी बात है। जो ये केजरीवाल हमेशा से आरोप लगाते हैं प्रधानमंत्री पर या बीजेपी पर कि ये लोग हमको काम नहीं करने देते, आपको लगता है कि काम नहीं करने देते हैं? सर अगर मेरा काम करने का मन नहीं होगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा, सबसे पहले बड़ी बात तो ये है। और अगर मेरा काम करने का मन होगा तो मैं मोदी के सामने भी टक्कर खेल के काम कर सकता हूँ भाई, वो उनकी पोस्ट पर, मैं मेरी पोस्ट पर हूँ। काम करने से कोई नहीं रोक सकता किसी को भी, आज़ाद भारत देश है सर, क्यों रोकेंगे? अब हम कोई पाव भाजी बना रहे हैं तो हमारे साथ कोई दूसरा बना के काम नहीं करेगा, कर पाएगा वो भी करे ना। तो काम तो हर एक किसी का कोई रोक टोक है नहीं है, बाकी अपने मन से जो आलस आ जाए वो आलस के हिसाब से चलो। तो मानते हैं मतलब कि ये बस आरोप ऐसे झूठे लगाते हैं कि सर ये तो झूठे ही है।
अगर मान लो अगर मैं सच लगा रहा हूँ तो मेरा काम भी मैं दिखाऊँ आपको कभी कि मेरा ये आरोप है मैं ये काम करना चाहता हूँ, अगर मेरा काम बराबर नहीं है तो फिर क्या कहूँगा मैं, तो फिर झूठे आरोप भी सही है उसको साबित करना पड़ेगा सर, ये बात है। तो इलाके के लोग रिपोर्ट दे रहे हैं और क्या सोचते हैं अपने विधायक के बारे में इसके बारे में भी बता रहे हैं। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी मनीष, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।